तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंदर जो है मैं प्रोटीस 8.1 पे जो है आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आपने सर्किट को डिज़ाइन करना है, सिमुलेट करना है या पीसीबी लेआउट बनानी है। जो सर्किट आज की वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा वो ये है, 5 वोल्ट का चार्जर है सिंपल। 5 वोल्ट एसी जो इनपुट देंगे हम, जिससे होने के बाद जो 12 वोल्ट डीसी हो जाएगा, उसके बाद फिर 7805 रेगुलेटर जो हमने लगाया हुआ ताकि हमें आउटपुट पर जो है एलईडी को ग्लो करवाना है तो 5 वोल्ट रिक्वायर्ड है, तो इसलिए मैं 7805 जो है वोल्टेज रेगुलेटर जो इस्तेमाल कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो अब सर्किट को बनाते हैं, प्रोटीस जो है ऑन होने वाला ही होगा। सबसे पहले आपने न्यू प्रोजेक्ट में जाना है, फिर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं एन प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट करना है, फिर आपने जो है टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है कि किस टेम्पलेट पे जो है आपने उस सर्किट को प्रिंट करना है, तो मैं प्रोटेड A4 जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पर आपने अगर पीसीबी बनानी है तो आपने क्रिएट अ पीसीबी लेआउट पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ जो है आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको पीसीबी लेआउट बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है मैंने पीसीबी लेआउट बनाना सिखाया है और रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की है, तो आप जो है उस वीडियो को जो है मेरे चैनल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं पीसीबी लेआउट के नाम से। और अदरवाइज़ जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैंने लिंक दिया है वीडियो का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगी और आप जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस तरीके से आपने जो है पीसीबी बनानी है प्रोटीस। सबसे पहले आपने कंपोनेंट मोड पे क्लिक करना है, कंपोनेंट मोड पे क्लिक करने के बाद पी पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आ जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है, यहाँ पर सारे अरेंज है। और अब हमें चाहिए 7805, डायरेक्टली कीवर्ड के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, जैसे 7805 इसका नंबर है, वोल्टेज रेगुलेटर, इसको हम डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट में जो है वो कंपोनेंट आ जाएगा। हमें चाहिए एलईडी, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ लिस्ट में देखेंगे एलईडी भी आ गई। इस तरीके से हमें वोल्टेज सोर्स चाहिए, वी साइन लिखेंगे और इस तरीके से अगर आप, अच्छा मैं आपको विदाउट सर्च भी जो है मैं आपको सिखा देता हूँ किस तरीके से जो है आपने सर्किट कंपोनेंट को सर्च करना है। हमें कैपेसिटर रिक्वायर्ड है, सी में जाएंगे कैपेसिटर आ जाएगा, फिर सब कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ पर नॉन पोलर और पोलर कैपेसिटर आपको दिखेंगे, सेरेमिक भी दिखेंगे। हमें चाहिए हाई टेम्परेचर रेडियल कैपेसिटर, तो नॉर्मली जो है गोल कलर का होता है और ईजिली जो है आपको मार्केट में मिल जाता है। हमें चाहिए 1000 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड। अच्छा हमें चाहिए रेजिस्टर्स, चलो हम वैसे ही देख लेते हैं इसको। रजिस्टर आ गया यहाँ पर, फिर सब कैटेगरी 0.5 वाट के हमें रजिस्टर रिक्वायर्ड है। किसी भी रजिस्टर पर आप क्लिक कर सकते हैं, फिर उसके लिए आप रजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके। अच्छा हमें चाहिए डायोड, डी में जाएंगे डायोड, सब कैटेगरी ब्रिज एक्टिफायर हमें चाहिए, तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रिज अवेलेबल हैं। करंट रेटिंग के हिसाब से हमें चाहिए 2 एम्पीयर का 50 वोल्ट ब्रिज एक्टिफायर, तो आपने इस पर क्लिक कर। लिस्ट हमारे पास मुकम्मल हो चुकी है, अब हम जो है सर्किट को डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले वोल्टेज सोर्स है सर्किट डायग्राम में, उसके बाद कैपेसिटर है 1000 माइक्रोफैराड, उससे पहले हमारे पास ब्रिज है, ब्रिज एक्टिफायर है, इसको हम ड्रैग कर लेंगे। फिर हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर, फिर 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, रेजिस्टर और रेड एलईडी। सबसे पहले इसको जो है आप राइट क्लिक करेंगे तो इसकी फर्दर जो है प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, यहाँ पर ड्रैग भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं आप, जैसे मुझे रोटेट करना है तो आप जो है इसको रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ एरो पे क्लिक कर देंगे तो कंपोनेंट आपके पास जो है नहीं आएंगे स्क्रीन पे, वरना जो है कंपोनेंट आपके पास बार बार आते रहेंगे, जैसे आप स्क्रीन पर टच करेंगे कहीं भी तो जो आपने कंपोनेंट सेलेक्ट किया हुआ है वो दोबारा आ जाएगा।
एक कंपोनेंट जो है कई बार जो है हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ये जो है एसी वोल्टेज दे दी हमने ब्रिज को, वायर जो है दो वायरिंग दोबारा कर देते हैं। फिर राइट क्लिक करना है और रोटेट क्लॉकवाइज। थोड़ी स्पेस मैंने जगह छोड़ी, यहाँ पर एमीटर को कनेक्ट करूँगा मैं। सबसे पहले हम इसकी रेजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं। राइट क्लिक करना है, एडिट प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन में जाना है। यहाँ लिखा हुआ है रेजिस्टेंस 100 के, यहाँ पर अपने बैक स्पेस से जो है इसको रिमूव कर दें और 220 ओम इस पर हमें क्लिक करना है तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से आपने जो है एसी वोल्टेजेस को सेट करना है कितने देने हैं, तो एडिट प्रॉपर्टीज़ एम्पलीट्यूड 12 वोल्ट एसी, फ्रिक्वेंसी जितनी रिक्वायर्ड आपको है 50 हर्ट्ज मुझे रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो चुका। अब जो है हम वोल्ट और एमीटर जो है कनेक्ट करेंगे अपने सर्किट के साथ ताकि हम मेजर कर सकें, सिमुलेट कर सकें और रीडिंग चेक कर सकें क्या रीडिंग्स आ रही हैं, करंट की क्या वैल्यू आ रही है, वोल्टेज की क्या वैल्यू आ रही है। तो आपने जो है साइड में जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको जो है एक सिंबल दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे मीटर आ जाएंगे, एसी वोल्ट मीटर, एम मीटर, डीसी ऑसिलोस्कोप मीटर, सारे मीटर हैं अवेलेबल हैं। हमें चाहिए डीसी एम मीटर, वहाँ सेलेक्ट करना है और फिर स्क्रीन पे क्लिक करना है तो वो एम मीटर आ जाएगा। इसी तरीके से डीसी वोल्ट मीटर सेलेक्ट करने के बाद आपने स्क्रीन पे क्लिक करना है तो वो मीटर जो है आपके पास शो हो जाएगा। एलईडी का क्रॉस जो है हम वोल्टेज चेक करेंगे कितने जो है एलईडी वोल्टेज पे ग्लो हो रही है। तो सर्किट जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, एमीटर वोल्ट मीटर भी लग चुका है। अब जो हम इसको प्ले करेंगे, प्ले करने के लिए यहाँ पर जो है आपको एक प्ले का बटन दिखेगा नीचे, देख सकते हैं आप, इस पर आपने क्लिक कर, जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी जो है सर्किट जो है सिमुलेट होते हुए आपको नज़र आएगा। देख सकते हैं 2.24 जो है वोल्टेज से जो है एलईडी ग्लो हो रही है और तो करंट रेटिंग है 0.01। तो इस तरीके से आप किसी भी सर्किट को सिमुलेट कर सकते हैं, चाहे वो DLD का हो, IC बेस हो, तो XYZ बहुत सारे सर्किट जो है आप सिमुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब जो है इसको हम यहाँ से स्टॉप कर देंगे। अच्छा, अब जो है आप इस सर्किट को सेव करना चाहते हैं, यानी इसकी जो है स्कीमेटिक आपको चाहिए, स्कीमेटिक चाहिए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट ग्राफिक्स और PDF पे क्लिक कर, और PDF पे क्लिक करने के बाद आप उसको ब्राउज करके फाइल नेम उसका कोई भी सेट करके सेव कर सकते हैं। फिर आपने ओके दबाना है तो वो सर्किट आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके पास सेव हो जाएगा और ये PDF की शक्ल में जो आपके पास आ जाएगा। फिर आप उसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं आप इसका। इसी तरीके से जो है मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी किस्म की भी जो है क्यूरी हो आपको, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे जो है कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।